हेलो जैसा कि मीटिंग है आज लड़े सौ बाहर का दिन है कि डायरेक्टर मनीष यादव ने ये आयोजन किया है और इनके बड़े भाई अनिल यादव और मैं बच्चा दे देता हूँ सैनिक कोर्स से अभी हाल में रिटायर हुए नायब सूबेदार पवन कुमार विलियम जो कि वीर अहिम निर्माण सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और मेन वाली जिला अध्यक्ष है अतुल प्रधान जिला पंचायत सदस्य राजी जो कि भैया आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। जिला अध्यक्ष दीपक यादव छात्र प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष संजय यादव विकास यादव जी नमस्कार मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। वीर अहीर निर्माण सेना रायबरेली उत्तर प्रदेश के द्वारा रिटायरमेंट फौजी का किया गया भव्य स्वागत। वीर अहीर निर्माण सेना उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ एडवोकेट जय सिंह यादव फौजी के नेतृत्व में फौज से रिटायरमेंट 20 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद फौज से हवलदार अनिल कुमार यादव उनके पैतृक गांव शिवपुरी न्यू राधा स्मार्ट सिटी भीमगंज डलमऊ रायबरेली मेले में स्वागत सम्मान समारोह किया गया। ये नई साल की नई मुहिम है रायबरेली जिले की जो आज तक कभी नहीं होता था वह इस संगठन के द्वारा किया जाना शुरू किया गया है। अध्यक्ष जी ने बताया गया कि देश का फौजी जब अपनी ड्यूटी पूरी करके आता है तो उसे पूरे स्वागत और सम्मान के साथ घर आना चाहिए जिसमें समाज के लोगों में देश भावना जागृत हो और हमारे नवयुवक को देश सेवा के लिए आगे आने में एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी और एजुकेशन नवजवानों सेना में जाने के लिए प्रेरित करना सामाजिक स्तर को सजग बनाना जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। मौके पर मौजूद राजमोहन फौजी विकास फौजी फिर अहीर निर्माण सेना जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ विलियम फौजी युवा दीपक सिंह यादव छात्र संजय उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार उपाध्यक्ष विजय यादव उपाध्याय योगेंद्र यादव अमित यादव सुरेश यादव BDC आदि लोग मौजूद रहे। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। बड़े भैया राजमोहन यादव जी युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष दीपक यादव जी छात्र विजय यादव जिला अध्यक्ष जी मोहम्मद सैयद जी यहाँ में तुम्हारा बहुत स्वागत सुशील शर्मा जी शमशाद भाई हमारे बीच में जुबेर भाई मानी मुरला जी और अभिनंदन में सेवानिवृत्त PK विलियम जी का भी स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ मानी जय सिंह यादव ने बड़े भैया राजमोहन यादव जी भैया स्वागत करते हुए बहुत जोर शोर के साथ संपन्न हुआ। आशा करता हूँ
कि भविष्य में ऐसे ही संगठन के माध्यम से जो सामाजिक कार्य होंगे उनको बखूबी से निभाए जाएंगे। और मैं सभी भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि इस संगठन के माध्यम से जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है, संगठन में पदाधिकारी बनना चाहता है, उन लोगों का इस संगठन में स्वागत है। अनुसार एक अभी लेटेस्ट निर्देश आया है कि जो जिला अध्यक्ष चाहे युवा प्रकोष्ठ हो, चाहे छात्र प्रकोष्ठ हो, चाहे सैनिक प्रकोष्ठ हो, चाहे शिक्षक हो, आदि जितने भी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, जो जिलाध्यक्ष एक साल में बहुत अच्छा काम करेगा, जिसका समाज के प्रति भागीदारी के साथ नंबर एक का काम होगा, उसको साल में कुछ पुरस्कार संगठन के माध्यम से पुरस्कार प्लस ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र के साथ उसको राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग में बुलाकर के सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी की सूचना है। हम आने वाले अपने नवयुवक स्टूडेंट फौज की तैयारी कर रहे जवानों के लिए हम एक से एक बढ़कर नए कार्यक्रम कर सकें। यहाँ तक कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या होती है तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर में संपर्क कर सकते हैं। जो भी संगठन की तरफ से मदद होगी वो आपको खुल के मदद की जाएगी। जय हिंद।